आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर मैंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स को गेन किया है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1 का सलूशन अब तक चेकआउट नहीं किया है तो आप उसे भी मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हो एंड अपने वीडियो को परफॉर्म आउट कर सकते हो। आज के यहाँ पर अपने एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताती हूँ एंड बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको जो एक्सरसाइज फाइल दी गई है उसके अंदर आपको इस तरीके से 3 डिफरेंट टाइप के वीडियोस प्रोवाइड आउट किए गए हैं। आपने हमेशा की तरह इन तीनों वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आपने इसको इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के लिए आप फाइल में जाकर यहाँ से इम्पोर्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर आप इम्पोर्ट रीसेंट फाइल वाले ऑप्शन का यूज करते हुए जो भी आपके रीसेंट फाइल्स हैं उनको भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी तीनों की तीनों जो मेरे फाइल्स थे यहाँ पर उनको इम्पोर्ट कर कर रखा है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, डाउनलोड करेंगे एंड देन इसको इम्पोर्ट करेंगे। इन दोनों काम को करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको सबमिट कराना है अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपनी एक एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट करेंगे और इसको सबमिट करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर पहले टास्क में। पहला टास्क जो होगा वो यहाँ से हमारा कम्प्लीट आउट हो जाएगा जिसके अंदर हमने इम्पोर्ट करना था। इम्पोर्ट करने के बाद दूसरा टास्क है कि आपने जो आपकी फर्स्ट क्लिप यहाँ पर दी गई है उसको स्लो डाउन करना है। अब आपके पास अगर आप गौर से देखो तो दो क्लिप्स हैं। एक क्लिप वो है जिसमें आपके पास बर्ड जो है वो यहाँ पर पानी के ऊपर जो है वो फ्लाई आउट कर रही है और दूसरी है वो आपके पास रोड ट्रिप की यहाँ पर जो है वो वीडियो मौजूद है। आप किसी भी वीडियो को फर्स्ट रख सकते हो और किसी को भी सेकेंड रख सकते हो। मैं यहाँ से जो बर्ड वाली वीडियो है इसको फर्स्ट कंसिडर कर अपने टाइम लाइन के ऊपर ड्रैग करती हूँ। तो मैंने इसको अपने टाइम लाइन पर ड्रैग कर दिया, आपको जूम आउट कर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। अब आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी एंड राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करना है स्पीड ड्यूरेशन का। आप जैसे स्पीड ड्यूरेशन का फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी इसकी स्पीड 100% है, मैं इसको मैक्सिममली 68% पे जो है वो सेट करूंगी एंड सेट कर इसको ओके कर दूंगी। तो अब आप देखो जो इसकी लेंथ होगी वो यहाँ से स्लो डाउन होके एनहांस हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इस वीडियो को प्ले करें तो आपको एक बर्ड जो है वो बिल्कुल स्लोली ऑलरेडी यहाँ पर उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट आउट करूँ एंड सिलेक्ट आउट कर मैं दोबारा जाऊँ यहाँ पर अपनी जो मेरी स्पीड ड्यूरेशन है और इसको 68 की जगह मैं 168 कर दूँ और इसको ओके कर दूँ तो आप देखो ये काफ़ी फास्टली आपको जो है वो मूव करता हुआ नजर आएगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अब मैं चाहती हूँ कि जो इस पार्ट पर है ना ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्लोली मूव करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जितना पार्ट मुझे स्लो करवाना है यहाँ पर, क्योंकि फाइल में क्या कहा गया है कि स्लो डाउन फर्स्ट क्लिप थ्रू टाइम रैपिंग। टाइम रैपिंग के थ्रू आपने इसको स्लो करवाना है, जिसके लिए सबसे पहले आप अपने वीडियो को एनहांस कर लो ताकि आपको नजर आ जाए कुछ इस तरीके से आपका वीडियो जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जबकि चीज़ें आप उनको एडजस्ट कर लो ताकि आप जो है वह आसानी से अपने वीडियो को यहाँ पे चेकआउट कर सको। इतना जो है कि कहते हैं हमारे पास सिनेरियो ठीक है, मुझे अपने वीडियो परफेक्टली नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट आउट कर लिया। अब सिलेक्ट आउट करने के बाद क्या करूँगी, मुझे यहाँ पर जो एफेक्ट नज़र आ रहे हैं ना मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी एंड यहाँ से टाइम रैपिंग पे क्लिक कर स्पीड के बटन पर क्लिक कर दूँगी। जैसे मैं स्पीड के बटन पर क्लिक करूँगी आप देखो कि यहाँ से जो है वो पिक्चर चली गई और मेरे पास यहाँ पे साउंड का जो मेरा लेवल है वो आ गया। आप चाहो तो अपने साउंड के लेवल को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम कितना पोर्शन स्लो करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये जो पोर्शन है इस जगह से स्लो डाउन हो मेरी वीडियो। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रखूंगी, इसको थोड़ा जूम कर दिखाती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे तरीके से एक आइडिया हो, लाइक दिस। ठीक है, इस जगह पे रख के मैं कंट्रोल के साथ जो है वो क्लिक करूंगी जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरा जो एक कट होगा वो लग जाएगा यहाँ पे लाइक दिस। राइट क्लिक करूंगी, टाइम रैपल स्पीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइक दिस मैंने एक अदद कट को अपने इनहेंस कर दिया है। इसके बाद मैं दूसरा कट लगाना है, दूसरी तरफ जाकर मैं यहाँ पर एक और कट लगा दूंगी।
इसी तरीके से जो पोर्शन आप स्लो डाउन करना चाहो उस पोर्शन पे आप इसको रखो एंड इसको कट लगा दो। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर पूरा का पूरा इसको कट लगा दिया, ये आपको कट लगा हुआ देख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इस कट को आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। आप जितना इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे उतना ज़्यादा आपका ये पोर्शन स्लो हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से प्ले कर कर दिखाती हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड चलिए ना, अब आप देखो कि कितनी स्लोली और स्मूथली जो है ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेना। अगर आप और भी कट्स लगाना चाहते हो, जैसे स्टार्टिंग में मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हो जाए तो मैं इस जगह रखती हूँ एंड यहाँ पे रख के मैं दोबारा से जो है वो कंट्रोल के साथ एक कट लगाती हूँ एंड आई वॉन्ट के दिस वन यहाँ तक का जो पोर्शन है वो स्लो डाउन हो जाए, तो मैं अगेन यहाँ पर कट लगाती हूँ एंड इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके स्लो कर दूंगी। तो अब जब मैं इसको प्ले करूंगी तब आपको देखेगी कि कितनी स्मूथली ये यहाँ पर स्लोली स्लोली एंड फास्टली फास्टली जो है वो प्ले आउट हो रहा है। अगर आप चाहो तो आप इसको और भी इन्हेंस कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा इन्हेंस करती हूँ ताकि ये वाले जो पोर्शन हैं ये थोड़े से फास्टली वर्क करें और आपको ज़्यादा सही से समझ आए। तो अब यहाँ से इसको प्ले करते हैं तो देखो ये बिल्कुल स्लो स्लो, ये बिल्कुल फास्ट उठ गया एंड देन अगेन स्लो एंड देन अगेन फास्ट, हमारी वीडियो कंपाइल हो जाएगी। तो अब हम यही काम करेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारे ये टाइम के रिपल्स रखे हुए हैं इसको यहाँ पे रख के स्क्रीनशॉट लेंगे और हमारा जो पहला टास्क होगा वो कंप्लीट होगा। हम इसी का वाइस वर्सा करेंगे अपनी दूसरे वीडियो के साथ, सेम प्रोसेस को यहाँ पर कंपाइल करेंगे और जो हमने पोर्शन स्लो किया है अब हम क्या करेंगे पोर्शन को फास्ट यहाँ पर कंपाइल कर देंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले वीडियो को हम यहीं रखेंगे, जो हमारा दूसरा वीडियो है उसको पकड़ के अपने टाइम लाइन के ऊपर ड्रैग कर देंगे। टाइम लाइन के ऊपर मैंने इसको ड्रैग कर दिया है। ड्रैग करने के बाद कुछ इस तरीके से लुकअप आ गया हमारी टाइमलाइन का, आप देख सकते हो। इस पर राइट क्लिक करूंगी, इसमें जाकर हम स्पीड ड्यूरेशन में जाते हैं 100 से। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ मिसाल के तौर पे 400 कर दिया मैंने। काफ़ी जो है वो ऑलरेडी ये आप देखो फास्टली ये वर्क कर रहा है। ठीक है, वापसी जाते हैं, स्पीड ड्यूरेशन में जाते हैं, मैं 400 की जगह इसको 200 कर देती हूँ यहाँ से और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बेस्ट हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसको फास्ट करना है। अब मैं यहाँ से अगर प्ले करूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे ये यहाँ से इसको एक मिनट मैं जूम करती हूँ दोनों वीडियोज़ को। आपको सबसे पहले तो मैं ये जो मेरा पोर्शन है इसको हम डिलीट करते हैं ताकि दोनों वीडियो चलें। देखो यहाँ से फास्टली जा रहा था ना, इसके बाद मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल इस तरीके से जाए। यहाँ पर आने के बाद ये जो बादलों वाला पोर्शन है इतना पोर्शन बिल्कुल फास्टली जो है वो मेरा वर्क करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन सेम वही काम करूँगी, एफएक्स पे क्लिक करूँगी, टाइम रैपिंग पे जाऊँगी एंड स्पीड पे आ जाऊँगी। स्पीड पे आने के बाद जहाँ पर मुझे कट्स लगाने हैं वहाँ पर मैंने क्या करना है, कंट्रोल से अपना कट लगाना है एंड आफ्टर दैट जो पोर्शन मुझे फास्ट फॉरवर्ड दिखाना है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ तक और ये इसके शेडो के यहाँ तक ये फास्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी। फर्दर मैं चाहती हूँ, स्लो स्लो जाए, यहाँ से जाने के बाद अगेन जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एक और कट को एनहांस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने कट्स लगाए हैं जो पोर्शन हमने फास्ट दिखाना है उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो अब आपने यही करते जाना है, जो भी पोर्शन आप फास्ट दिखाना चाहते हो उसको आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो। अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ तो आप देखो कि पहले वीडियो ऑलरेडी बहुत फास्ट है लेकिन मैंने जितना रिपल ऊपर किया है उसके हिसाब से ये और ज़्यादा फास्टली वर्क करिए। तो इस तरीके से जो आपकी दोनों यहाँ पर होंगी वीडियोज वो वर्कआउट कर जाएंगी। पहली वाली हमने स्लो करना देखी करके, दूसरी बारी हमने फास्ट करना देखी यहाँ पर कंपाइल कर कर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सबमिट कराएंगे अपने अगले टास्क के अंदर। तो जो हमारे यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड टास्क होंगे ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद क्या, दो टास्क हैं जिनके अंदर आपने लेवल को इंक्रीज करना और ग्राफिक इक्वलाइजेशन यहाँ पर पुट आउट करनी। आप चाहो तो वीडियो वाले लेयर्स को लॉक कर दो, मैं वीडियो वाले लेयर्स को लॉक करती हूँ। हम आते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट विंडो में। अब ये जो साउंड है मेरे पास इसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, साउंड मैंने पुट कर दिया। आप साउंड अपने अकॉर्डिंगली कट कर लो, मैं साउंड को थोड़ा सा कट करूंगी। उसकी वजह ये है कि इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। मैं आपको एक जंप दिखाऊंगी यहाँ पर दोनों वीडियोस के बीच में। ठीक है, ये और मुझे इसको थोड़ा सा कट करना चाहिए यहाँ से लाइक दिस, क्योंकि ये जो मेरा खाली पोर्शन है ना इसमें मैं आपको इफेक्ट लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो इन दोनों के बीच के अंदर। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर मैं ओवर हेयर एक कट और दूंगी जिससे जो एक्स्ट्रा बीच का पोर्शन है हमारे स्मूथ लेवल का ये यहाँ से हट जाए ताकि जब मैं ऑडियो लेवल्स लगाऊं तो आई कैन इजिली
इंटेंटेड। ठीक है, यहाँ पर आए हम एंड मैंने यहाँ पर कट लगाया लाइक दिस, और ये जो पोर्शन था इसको मैं डिलीट कर दूंगी एंड दोनों ऑडियोज को जोड़ दूंगी। दोनों ऑडियोज को अभी भी जोड़ने के बाद क्या है कि आप देखो मेरे जो वीडियो का कट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं पीछे वाले वीडियो वीडियो जो ऑडियो है मेरे उसको इतना कट करना चाहती हूँ कि जो मेरा मेन कट है ना वो इन दोनों के बीच में आए। अभी भी स्टिल देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको स्टिल और हम कट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कट कर सकते हो जितना भी आपको यहाँ पे ठीक लग रहा हो। ठीक है, अभी भी अब देखो इतना इक्वल आ रहा है, तो चलो इतने इक्वल में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इतने इक्वल का जो है वो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, प्रोजेक्ट ऑटो सेव हो गया था, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, आप जो है वो इस ऑडियो को प्ले करके देखोगे तो आपको एनहांसमेंट होगी कि किस तरीके की ऑडियो है। जहाँ पर वीडियो खत्म हो रही है वहाँ तक कट लगा के ऑडियो को भी आप जो है वो कट आउट कर लो ताकि एक्स्ट्रा ऑडियो पे काम नहीं करना पड़े। अब आपने जो अपने एक्सरसाइज फाइल के अकॉर्डिंग करना है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है लेवल और ग्राफिक इक्वलाइजेशन लगानी है। सबसे पहले इंक्रीज करेंगे लेवल कहाँ पे, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, जूम करके दिखाती हूँ दोनों की, दोनों जो हमारे पास हैं इनका जो सेंटर पॉइंट है यानी कि ये वाला कट, मैं यहाँ पर बेसिकली चाहती हूँ, ये मैंने इसलिए डाउनलोड किया ताकि आपको नजर आए कि दो ऑडियोज हैं। इस जगह पे मैं चाहती हूँ अपना क्रॉस ग्रेन लगाना यानी कि इसका लेवल इन्हांस करना, इसे मैं वापस ऊपर रखूंगी, इफेक्ट्स में जाऊंगी, यहाँ से आप ऑडियो इफेक्ट में सर्च कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो गेन को जो है वो सर्च आउट कर लो। आप जैसे गेन को सर्च करोगे तो देखो कॉन्स्टेंट गेन आ जाएगा, इसे पकड़िए एंड पकड़ कर दोनों जो आपके लेवल ऑफ द ऑडियोज हैं उस पर पुट आउट कर दीजिए, आपको गेन महसूस हो जाएगा। अच्छा, आप जब वहाँ कर रहे होगे ना तो आपको इसका जो है वो आउटपुट दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको प्ले करूंगी तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी एंड जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट आउट होगी, तो इसलिए बस मैं आपको बता रही हूँ। आप जब साउंड को ऐसे इक्वलाइज करोगे तो आप देखना ये कितना अच्छा साउंड यहाँ पे आता है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे लग गया। जो दूसरा मेरा यहाँ पर टास्क है वो है कि ग्राफिक इक्वलाइजर मुझे लगाना है। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर अगेन इफेक्ट के अंदर जो है मैं जैसे ही इक्वलाइजर लिखूंगी तो मेरे पास जितने भी इक्वलाइजर होंगे वो आ जाएंगे। इक्वलाइजर से क्या होगा कि आपको जो है वो आपके ऑडियो के अंदर पता चलेगा कि स्मूथनेस कितनी ज्यादा है। आपके पास तीन इक्वलाइजर है, 10 बैंड्स का, 20 बैंड्स का एंड 30 बैंड्स का। तो जो मेरी पहली वीडियो है इसके ऊपर मैं 10 बैंड का अपना इक्वलाइजर जो है वो उसको पुट आउट कर देती हूँ। मैंने इक्वलाइजर पुट किया, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ग्राफिक इक्वलाइजर को देख सकते हो, 1 से 10 तक के बैंड्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो कौन सा साउंड मैटर करता है। मैंने पहले प्ले करके देखा था तो मैं बैंड 4 के साथ यहाँ पर जाऊंगी। इस तरीके से जो मेरी यहाँ पर दूसरी ऑडियो है इसके ऊपर मैं अपने जो है वो बैंड 30 को पुट आउट करूंगी और इसकी इक्वलाइजेशन में जाकर मैं इसको बैंड 24 के ऊपर सेट कर दूंगी, तो जो मेरी वॉइस होगी वो काफी अच्छे से एनहांस हो जाएगी। अब आपने वहां पर जो है वो प्रिव्यू करके देखना है अपने इस पूरे के पूरे कंपाइलेशन का कि किस तरीके से ये आपके पास यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगेन मैं आपको एक फाइनल आउटपुट दिखाती हूँ, साउंड वैसे आपको सुनाई नहीं देगा बट आपको देखेगा कि देखो स्टार्टिंग हुआ फिर बिल्कुल स्लो, फिर थोड़ा सा तेज, फिर हल्का सा स्लो, फिर फास्ट फॉरवर्ड एंड देन यहाँ से बिल्कुल फॉरवर्ड हो गया, फिर स्लोली 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 मूव कर रहे हैं, देन कितनी स्मूथली फॉरवर्ड चल रहे हैं, देन बिल्कुल स्लोली जाकर वीडियो एंड हो जाती है। तो इस तरीके से आपने जो है वो पूरी की पूरी अपनी एक्सरसाइज फाइल को कंपाइल करना है और कंपाइल करके इसके स्क्रीनशॉट्स आपने सबमिट कराने। अच्छा, मैं दोनों मरतबा जो है स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी, जब मैंने क्रॉस ग्रेन लगाया था और जब मैंने फाइनल इक्वलाइजेशंस लगाई थी, तो आपने दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेने। क्रॉस ग्रेन पे एक्चुअली मैंने ले लिया था, इक्वलाइजेशन पे भी लेकर आपने इसको पुट आउट कर देना और आपका जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मेरे फेसबुक के ग्रुप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो। वीडियो एडिटिंग एनिमेशन और ब्लॉगिंग के अलावा आपका जो भी कोई कोर्स है उसका सलूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड आउट कर दिया, मेक श्योर करो कि उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।